एक हिंदी की हॉरर फिल्म थी 100 डेज, मैंने तो देखी थी, आप में से कितनों ने देखी मुझे नहीं मालूम। इन पिछले 100 दिनों के बारे में आपने कई और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों से सुना होगा, मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरह से जो पार्टी नोशनल लॉस का दम भरते हुए सरकार बनाकर बैठी है पिछले 5 साल और 3-4 महीने से, वहां एक्चुअल लॉसेस जो हो रहे हैं, ड्यूरिंग आवर डेज देर वॉज अ सीएजी हु स्पोक ऑफ नोशनल लॉसेस, ड्यूरिंग देयर डेज वी सी दैट देर इज अ नोशनल सीएजी, सीएजी है ही नहीं ऐसा लगता है। संस्थाएं अब नोशनल हो गई हैं इस सरकार में, वो हैं या नहीं नहीं मालूम। अभी 100 दिन पे मैंने सुना एक मंत्री इनके कह रहे थे रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, 30 बिल पास हो गए। इस एक टिप्पणी से एक बात समझ में आती है इस सरकार का चरित्र। इस सरकार का चरित्र यह है, कितनी ऊंची प्रतिमा, कितनी स्पीड की ट्रेन, कितने बिल पास हुए, कितनी सीटें हम ले आए, कितनी राज्य हमें हमारी पार्टी को मिल गए, आपने काम क्या किया, आपने प्रक्रिया क्या फॉलो की, उस पे नील बटा सन्नाटा। मानते हैं आपके पास राज्य आ गए, मानते हैं आपने 30 बिल पास कर दिए होंगे, बिल पास करने की प्रक्रिया होती है, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, क्या आपने वो फॉलो किया? नहीं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में पेश कर रहा हूं। तो सिर्फ इलेक्शन जीत जाना अगर आपकी अचीवमेंट है तो बिल्कुल आपकी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। सरकार चलाना और पारदर्शिता से चलाना, संस्थाओं को अपना काम स्वतंत्रता से करने देना, इसमें आप शून्य पर हैं, शून्य से भी नीचे हैं। अभी एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी किया। क्वेश्चन किया सरकार को, सरकार से उत्तर मांगे कि कैसे कुछ माइंस की लीजेस आपने 50 साल के लिए बढ़ा दी, ऑक्शन नहीं किया। जो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से आपने कानून बदल दिया कि 2015 का जो एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2015 में जो संशोधन हुआ था, उससे पहले की जितनी लीजेज हैं उन सबको 50 साल का आपने एक्सटेंशन दे दिया। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बहुत शार्प, बड़ा तीखा ब्लॉग लिखा था, मुझे याद है, कि ऑक्शन शुड बी द रूट, तब वो विपक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्शन की बात की। अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ये 358 माइंस की लीज आपने रिन्यू कर दी, कोई ऑक्शन का रूट नहीं लिया, क्यों? 288 और हैं अभी पेंडिंग, जो क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस दिया, आपसे जवाब मांगा, तब आप व्यस्त थे, आपको सीटें बढ़ानी थी। अगस्त के प्रथम सप्ताह में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 हफ्ते का समय दिया, वो भी समाप्त हो गया, जवाब नहीं गया अभी तक। तो आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपका काव्यपाठ होता है, अब जब आप सत्ता में हैं तो आप इस मामले पर एकदम चुप हैं। आपकी गतिविधियों में और आपके उस वक्त की बातों में न सुर न ताल न कोई तालमेल।
आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने ऑक्शन का रूट नहीं लिया? ऐसे कौन से उद्योगपति हैं जिनको आप ऑब्लाइज करना चाहते थे, आनन फानन में आपने वो बिल पास करवा दिया? हमारे उस वक्त जब ये बिल पास हो रहा था 11 मार्च 2015 को सिलेक्ट कमेटी, जिसके भूपेंद्र यादव इनके अध्यक्ष थे, उनको कहा गया, हमारे उस वक्त मणिशंकर अय्यर जी थे सांसद और गुलाम नबी आजाद साहब ने, बड़ा रोष उन्होंने व्यक्त किया था 2015 की, मैं बात आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से ये बिल पास करा रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं सिलेक्ट कमेटी में भेजते, लोगों का ओपिनियन क्यों नहीं लेते? लेकिन जैसा कि इस सरकार की आदत है, उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। कुछ इस सरकार के मंत्रियों ने भी प्रोटेस्ट किया, वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड एंड डिस्ट्रेस्ड टू नोट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंसर्टेड एन अमेंडेड सेक्शन 8 एंड अ न्यू सेक्शन 8A इन द MMDR एक्ट टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लीजेस इंक्लूडिंग दोज अंडर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट रिन्यूअल। ये सारे आपको डिटेल्स में अभी दे रहा हूं। राज्यों को राजस्व इस ऑक्शन के रूट से आता, उड़ीसा को आता, झारखंड को आता, बिहार को आता, तमाम राज्यों को आता, राजस्थान को आता, मध्य प्रदेश को आता। अब जब हम जानते हैं राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या है, आपने अपने लालच में राज्यों का वो अधिकार भी छीन लिया जिससे उनको राजस्व प्राप्त हो सकता। यू स्नैच्ड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स हु कुड हैव अर्न सम रेवेन्यू थ्रू द ऑक्शन रूट। आफ्टर ऑल देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर इन दिस कंट्री। यू हैड अ लॉट ऑफ स्लोगन्स अबाउट फेडरलिज्म व्हेन यू केम टू पावर, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने उस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ कितना मजाक किया। कई उदाहरण उसके, उनमें से एक उदाहरण यह है कि आपने उनका राजस्व प्राप्ति के रास्ते बंद कर दिए, समाप्त कर दिए, ताकि राज्य आपकी ओर ताकते रहें, आपकी ओर देखते रहें, हाथ फैलाकर बैठे रहें। याद होगा आपको बिहार चुनाव के पहले जब मोदी जी वहां गए थे, कितना चाहिए, कितने हजार करोड़ चाहिए, आपने देखा होगा। वो ये संपदा, इस संपदा को आप ऑक्शन करते, पारदर्शिता रहती, एक्चुअल गेन्स होते देश को, राज्य सरकारों को। हम ये जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिव्यू के लिए क्यों नहीं भेजा गया ये बिल, या नंबर बढ़ाने थे कि इस एक साल में इतने बिल पास हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में और 2014 में स्पष्ट तौर पे कहा था कि ऑक्शन शुड बी द प्रेफर्ड रूट फॉर एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अनलेस अ मोर फाइनेंशियली फिजिबल रूट इज फाउंड, ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। व्हाई डिड यू चूज दिस रूट? ना तो ये कोई अल्टरनेटिव रूट है जिसमें आपने कोई बहुत आर्थिक बचत कर ली हो देश के लिए, ना ये ऑक्शन है, ये सिर्फ आपके कुछ दोस्तों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा है और कुछ नहीं है। मेरे मित्र और काबिल सहयोगी मोहम्मद ने बहुत इसमें कानूनी, इसका जो एस्पेक्ट है उस पर बहुत रिसर्च भी की है। कुछ भी प्रश्न हो आपके, पहले इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। बहुत बड़ा इसमें लॉस हुआ है, जो असेसमेंट है, हम वो नोशनल और उसकी बात तो नहीं करना चाहते, वो विनोद राय साहब ज्यादा समझते हैं और ये सरकार ज्यादा समझती होगी, हम एक्चुअल बात करते हैं। 4 लाख करोड़ तो मिनिमम इसमें मान के चल रहे हैं कि इतनी आपने नुकसान देश को पहुंचाया है इस रास्ते पर चलकर। लाभ किसको हुआ, इसमें जांच होनी चाहिए। लाभ किसने पहुंचाया, ये प्रश्न सबके सामने है, उत्तर हम सबको मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं जांच हो। कितना लाभ पहुंचाया, जांच के दायरे में यह भी आए। क्यों किया गया, जांच के दायरे में यह भी आए। और गिल्टी के साथ आप क्या करने वाले हैं, जांच के दायरे में यह भी आए। हो सकता है आप स्वयं गिल्टी हो। जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट दो बार कह चुका है ऑक्शन शुड बी द रूट, आप संशोधन लाते हैं कि पुरानी लीजेस को 50 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाए रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से। आखिर क्यों?
मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूं. ऑल माइनिंग लीजेस ग्रांटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स. ये उसी बिल की भाषा है जो एक्ट बना. शैल बी एक्सटेंडेड एंड बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू अ पीरियड एंडिंग ऑन 31st March 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period. Is tarah se 50 saal for of 50 years from the date of grant of such lease. Ye saryam aur jis tezi se ye kaam hua utna tezi se to modi ji kabhi tweet bhi nahi karte itna tezi se ye kaam hua. March 26th को नोटिफाई हुआ, it got notified. No, we did not. I gave you an example of we protested, but you know, we didn't issue a whip. He's right, we didn't issue a whip, but our protests were very loud, they were very well reported. जी बिफोर दैट एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस. इस विषय में कोई प्रश्न हो तो बताइए. अच्छा प्रश्न है. हम जो कर सकते हैं वो संसद में भी किया और आगे भी करेंगे. आरटीआई भी इसमें आज ही लगाई गई है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से. और मुझे लगता है कि जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह से उनके अपने राज्य में नुकसान पहुंचाया राजस्व को. सब इस मुद्दे पर जरूर परेशान हैं, जरूर समझते हैं कि क्यों और आखिर क्या कारण है कि वो राजस्व राज्यों को नहीं गया और इस रूट से बिना ऑक्शन किए आपने दे दिया. तो ये मुद्दा ऐसा है जो सबको प्रभावित करता है.